अर्चना जी नमस्कार जी। नमस्कार अर्चना जी, मुझे पता है आपको बुरा लगा ना, मैंने ठेका खोल लिया शराब का। नहीं, मुझे पता है आप हमेशा कहती हैं कि ये शराब ने हर किसी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब पता चला ये तो फायदा ही बड़ा, 1500 रुपया रोज कमा रहा हूँ मैं। और सर कैसे हैं आप? बढ़िया। जितने भी ये लोग बैठे आपके फैन हैं, लेकिन सबसे सच्चा फैन मैं हूँ। आपकी वीर फिल्म मैंने 12 बार देखी सर। वो भी अकेले बंदे ने बैठ के हॉल में, तो छोटी बात नहीं, लोग और भी थे लेकिन मैं अकेला था। सर जी, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, जो जो आएगा मैं देख लूंगा। दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, क्या करें अर्चना जी, दूध पे कोई गाना बना ही नहीं। इतने राइटर हैं टल्ली होकर गाने लिखते हैं आजकल, सालों को ये पता ही नहीं कि ढिंग का चिका की शुरुआत दूध पीने के बाद ही होती है। ये आपका पेट्रोल पंप है भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। एक काम करो भाई साहब, जरा इसमें पेट्रोल भर दो ना स्कूटी में। पेट्रोल? हाँ। कितना? 2000 का। 2000 का तो नहीं आएगा इसमें। अरे क्यों नहीं आएगा, देखो कितनी बड़ी टंकी है इसमें। भाई साहब ये आगे से भले स्कूटी है, पीछे से स्विफ्ट डिजायर है सर। नहीं नहीं, हेलो, आएगा आएगा। नहीं नहीं, इसमें आ जाएगा, लेकिन मेरे पंप में ही 300 का है। देखो अर्चना जी, साले के पंप में दम नहीं है, फिर भी स्टैंड अप यही करना चाहता है हमेशा। आप देखा लगता है यार, दूध वाला 3 साल पहले आपके घर पे दूध देने के लिए आता था ना मैं। ओ, बड़ा सुनील पाल, सुनील पाल। अरे साहब क्या बताएं, आपकी ना फ्रिज पे क्या हैंडसम फोटो लगी है सर आपके घर के अंदर। अच्छी लगी? हाँ बहुत बढ़िया। साले तू मेरे घर के अंदर क्या था? नहीं अब आपकी बीबी ऐसी क्या करे साहब, दूध देने वाले बोले साहब घर पे नहीं है, आज दूध उबाल के भी जाओ। अच्छा बोली? हाँ। वो सबको प्यार करती, बहुत अच्छी। ये तो कुछ भी नहीं है, बोलते आज साहब आउट ऑफ टाउन है, अभी तो दही जमा के कल ही जाना। क्या जमाया साहब उसके बाद मैंने। अच्छा साहब वो आपका 3 साल पुराना बिल है साहब, 20 लीटर दूध का आपके कुछ 2000 रुपया बनता है साहब। 2000? हाँ। और जो हमारा 20 बनता है वो? आपका काहे का 20 बनता है? जो दही जमाया तूने। ओह माय गॉड। सुनो इधर, 8 साल का हो गया दही। दही बेटा, देखो एक तो हमारी प्रॉब्लम है, हम पंजाबी हैं। मेरा सर नाम है भला, बाजार में जाता लोग कहते वो देखो दही भला जा रहा है। अरे साहब एक काम करो ना साहब, ये आपका पेट्रोल पंप, ये दोनों आपका है, ये मेरे को बेच डालो ना साहब। ये क्या अचानक बेचने बेचाने की क्या बात? वो क्या है ना सर, आज हमारा थीम है ना बेचो तो जाने, कुछ तो खरीदने बेचने की बात होनी चाहिए, फिर बाद में नंबर काट लेते हैं वो। और इधर उधर की बातें मत करो। देखो भाई आज ज्यादा पंचीज नहीं है, इधर उधर की बात करके एक चलाना पड़ेगा। अच्छा साहब ये दो दो धंधे एक साथ चलाते हो, कमाल है आपका। तू चार चार थप्पड़ मार रहा है, मैं दो धंधे भी ना चला। ये दो दो धंधे साहब एक साथ कैसे चलाना आपका? सर जी ये तो दो दो धंधे आपने देखे, मैंने चार चार चलाए पहले। अच्छा पहले लेडीज सूट भी सिलाई करता था। अच्छा लेडीज सूट सीता था? हाँ जी। लेडीज सूट फाड़ता कौन है यार, जो बार बार सीना पड़ता है यार, ऐसी बात नहीं। वो तो मुझे नाप लेने का शौक था, सीता तो कोई और ही था। अच्छा हमारे एरिया की घर की बहू बेटियों को तू खराब कर रहा है, चले अभी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ तेरी छाने। ये कंप्लेंट करेगा साला मेरी झूठा कहीं का, ये कर भी देगा तो क्या हो जाएगा, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं बोलूंगा मैं फिल्मों का डायरेक्टर हूँ। बदमाश कंपनी मैंने बनाई थी। अच्छा। अर्चना जी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैंने बोतल रखी है नीचे देख लो। अच्छा। हेलो। हाँ निकुल गांडा। निकुल गांडा। हाँ सू छे सुदेश लहरी पेमेंट मांगे छे। टेंशन नथी डंडो छे, फिर भी ना माने तो चप्पल छे। ओके ओके। अर्चना जी आप सोच रहे होंगे कि विपुल चाहे दारू पीने के लिए क्यों आया। अब क्या बताऊं अर्चना जी, कल मुझे अथर और प्रिया का फोन आया, कहते हैं विपुल जी हमारे 5 लाख रुपए हमें लौटा दो वरना हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसे खुशी के मौके पे कौन दारू ना पी। दो दो टके का एक्ट करते हो
और 5-5 लाख रुपए मांगते हो तुम लोग। अर्चना जी सॉरी, मैं कल आपका फोन नहीं उठा पाया। आपने 5 लाख रुपए मांगे थे। थोड़ी रिक्वेस्ट है, 4 का इंतजाम कर दिया है मैंने। हाँ पीछे आना, चारों देख लेंगे तुझे। लहरी साहब, अरे लहरी साहब क्या बताऊं, ये शो आप ही की वजह से चल रहा है। अगर आप इस शो में ना होते ना तो ये शो दौड़ता, बहुत बड़ा हिट होता हमारा शो। सर जी आप शराब पी रहे हो, क्या बात है, शराब पीने क्या हुआ विपुल जी? अब जब उसकी याद आ जाती है तो कभी कभार पी लेते। ओहो ये क्या हो गया आपको, कोई बात नहीं अगले शो में बुला लेंगे राखी सावंत को। राखी सावंत नहीं, मैं चमेली की बात कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड। अब उसके पापा नहीं माने, मैं तो शादी का प्रस्ताव लेकर गया था, उन्होंने मना कर दिया मुझको। ओहो सर जी देखो, अगर आप ऐसे जाएंगे तो बुरा लगेगा ना, ऐसे जाओगे तो हो जाएगा। और मेरी बात थोड़ी पिला दे रे। पीनी है? हाँ। कौन सी पियेंगे आप बताओ। एक काम करो, मुझे स्कॉच पिलाओ। ओके। रहने दो, स्कॉच नहीं वोडका पिलाओ। ओके। वो भी रहने दो, एक काम करो बियर पिलाओ। ओके। नहीं वो भी रहने दो, तुम अब रहने दो, मेरा योगा का टाइम हो गया। यार कमाल कर रहे हो तुम, यार बेइज्जती कर रहे हो मेरी, कभी वो पिलाओ कभी वो पिलाओ। क्या एक्शन कॉमेडी की है ना स्टेज पे क्यों नहीं करता ऐसे? देख अगर ज्यादा बोलेगा ना मैं तुझे शो से निकाल दूंगा। सर क्या बात कर रहे हो, मुझे शो से मत निकालिए, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। सर मेरा कसूर क्या है, इधर आओ बैठो। आपने मेरे साथ गलत किया है। क्या गलत किया? सर आपने ये कपिल को क्यों मेरे मुकाबले पे लाए हो आप? स्टेज पे आता है बात करता ही लोगों की हंसी निकल जाती। ये क्या मोटी ले आते हो आप, है खड़ी होती लोगों की हंसी निकल जाती, बोलती भी नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, सही बात है। मेरे को यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। पीली अब काहे कोई सामने आता तो मैं देख लूंगा सबको। अरे क्या समझते तुम लोग अपने आप को, मैंने जिंदगी देखी है, ये नोच के बाहर निकालूंगा तुझे। सर ये गलत बात है, उठाओ ना। सुनो मेरे विपुल शाह को जिसने गलत बोला वो पापी है, वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान था। अच्छा अगर विपुल शाह नहीं होता तो यहाँ पर ये बोतलें भी नहीं होती। क्यों रख तालियां मेरे विपुल शाह के लिए। मुझे लगा मेरा नाम विपुल लिखा हुआ है, समझ नहीं आई किधर गए विपुल जी। चलो अपना एक्ट अच्छा हो ना हो, हमने आते समय कपिल का खराब कर दिया, तिलक के डिग गिर जाएगा। यही होती है।